एसआरके की फिल्म जवान की शूटिंग फाइनली खत्म हो गई है। एसआरके के करियर की एक ऐसी फिल्म रही जिसकी शूटिंग सबसे ज्यादा दिनों तक लगभग 180 दिन तक चली। सितंबर 2021 में शुरू हुई इस फिल्म की शूटिंग पुणे, हैदराबाद, चेन्नई समेत कई जगह पर हुई है। दोस्तों, सवाल ये भी था कि इतने कम दिनों में मेकर्स फिल्म की डबिंग, VFX और अन्य कामों को पूरा करके 2 जून तक इसे रिलीज कर पाएंगे। कई रिपोर्ट्स ये भी थी कि इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में काफी समय लगने वाला है, इसीलिए इसे 2 जून को रिलीज नहीं किया जा सकेगा। लेकिन अब फिल्म 2 जून को ही रिलीज होगी। डायरेक्टर एटली ने इसके टीजर और ट्रेलर पर भी काम शुरू कर दिया है। फिल्म का टीजर मई के पहले हफ्ते में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का प्रमोशन भी जल्दी शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मई से जवान के मेकर जबरदस्त तरीके से फिल्म की प्रमोशन शुरू करेंगे। वहीं मई से पहले अप्रैल के एंड तक हमें जवान से जरूर SRK और विजय सेतुपति का फर्स्ट लुक और मोशन पोस्टर भी देखने को मिल सकता है, और ये फर्स्ट लुक पोस्टर आने के बाद फिल्म की हाइप अपने आप 2 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, वही मई में इस फिल्म का टीजर आएगा, फिर सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे। जवान के पहले सॉन्ग में SRK के साथ नयनतारा नजर आएंगी, वहीं दूसरे सॉन्ग में दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। ऐसा कहा जा रहा है हाल ही में जवान से दीपिका पादुकोण का सॉन्ग से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिन तस्वीरों में SRK और दीपिका साथ नजर आ रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जवान पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।